गैरसैंण में शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के लिए एक ओर जहां राज्य सरकार इस सत्र को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। 13 मार्च को कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा सत्र के दौरान भराड़ीसैंण पहुंचकर विशाल मार्च निकालेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरा जाएगा। 13 तारीख से गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र सरकार ने आउट किया है। कांग्रेस पार्टी पहले ही दिन विधानसभा का घेराव करने जा रही है और घेराव करने के जो कारण है वो राज्य में जो बेरोजगार सड़कों पर पीटे जा रहे हैं, बेरोजगार CBI जांच की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जांच चाहते हैं, जो सरकार बेरोजगारों की नौकरियां बेचे जा रही है उसमें आखिर CBI जांच बिठाने से सरकार को क्या डर है। बेटी अंकिता भंडारी के मामले में अभी तक DIP का नाम सार्वजनिक नहीं हुआ है और जांच में लगातार लीपापोती के आरोप प्रदेश की मातृशक्ति लगा रही है। गाँव का विकास लगातार अवरुद्ध हो गया है और आप देखिए कानून व्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतरी हुई है, हत्या और बलात्कार की बाढ़ राज्य में आई हुई है। आखिर ये सारे बड़े मुद्दे हैं कि जिनको गैरसैंण में कांग्रेस पार्टी उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।